क्या करेंगे, राज साहब ने एक बहुत ही यूनिक शरबत बनाया है हम लोगों के लिए। शरबत सारे यूनिक होते हैं, लेकिन इस शरबत की खासियत क्या है कि ये इस मौसम में जो एक फल आता है फालसा, उसका बनाया हुआ है। राज साहब फालसे का शरबत पिलाया जाए। पहली बार पिया तुमने? पहली बार पिया। खट्टा मीठा फालसे तो खाए होंगे पहले? फालसे तो खाए, बट खट्टा मीठा शरबत पहली बार। नहीं बट ये पी के तुम्हें पता चल रहा है कि फालसे का ही है? हाँ। शरबत दो तरह से हेल्प करता है आपको, एक तो अपनी खुशबू से और एक अपनी तासीर से। तासीर तो आप पियोगे, तो खुशबू से भी शरबत जो है, खुशबू से भी शरबत जो आपको हील करता है। इसलिए फालसे एक फल होता है जो समर्स में आता है और लाइक फोर वीक्स मंथ ज़्यादा टाइम की रहता है, तो उसी टाइम पे बनाना पड़ता है। इसमें फल का यूज़ करते हैं, शुगर, पानी। बीज से अलग कैसे किया? क्या स्टीम किया पहले या बीज के साथ ही बीज दिया? होता क्या, मिक्सर में, मिक्सर ग्राइंडर में पानी, थोड़े फालसे, वन और टू राउंड ऑफ। लेकिन फर्क क्या था कि जहाँ पर हम चल के देखने लगे होगा क्या, ये थोड़ा सा फर्क निकाल रैम करता था, ये लोगों को भी आ जाना था। उसके बाद उसको छन्नी के अंदर उसका जितना भी वेस्ट होता है हम लोग को वहाँ निकाल लेते हैं, पानी उसका शरबत अलग। इट वॉज वंडरफुल सर, बता। थैंक यू सर। जैसे हमने आपको बताया कि वेन यू गो फॉर मेकिंग दिस फालसे का शरबत, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसमें सही फालसे का सिलेक्शन, फ्रेश होने चाहिए पर ख़राब नहीं हुए होने चाहिए। तो आप क्या करते हो, फालसे लाते हो घर में, उनको धुलते हो। जो हमारे यहाँ हमारे घर में जो फैमिली तरीका है वो ये है कि उसको हम थोड़ी देर के लिए भिगोते हैं। तो भिगोने से क्या फ़ायदा होता है कि कई बार उसमें से जो ऊपर की जो गंदगी होती है ना, हम आप फालसे को मांझ नहीं सकते हो, मल नहीं सकते हो, तो हम उसको करीब आधे घंटे भिगोते हैं। भिगोने में क्या होता है कि फालसे से थोड़ा सा कलर भी निकलता है, यानी कि थोड़ा दूध भी वॉश आउट होता है, लेकिन जो ऊपर का जो लेयर होता है जिसमें कुछ गंदगी वो चली जाती है। तो उसके बाद उसको हम फिर क्रश करते हैं, उसमें से जूस निकालते हैं। ये शाही बादाम से होता है, तो उसके बाद फिर उसको छाना जाता है। छानने के बाद अगर आप उसको मिठाई बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर मिलाई जाती है, और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन और लाना चाहते हैं तो इसके अंदर काला नमक मिलाया जाता है। जी, काला नमक से थोड़ा सा ना टेंजीनेस आती है। हाँ। और कोशिश ये होती है कि जितने भी शरबत फलों के बनते हैं अक्सर सब में काला नमक वगैरह डाला जाता है, क्योंकि खासकर जो गर्मी के फल होते हैं, क्योंकि ना गर्मी के जो जूस होते हैं उसका एक बहुत बड़ा जवाब होता है कि हम आपको न सिर्फ रिजुविनेट करेंगे बल्कि आपके अंदर जो चलने वगैरह से जो थकावट नहीं, जो आपके अंदर बहुत सारे ना जो सॉल्ट्स का लॉस होता है, यू मेक इट अप बाई यू नो यूजिंग दोस सॉल्ट्स इन दिस। ये तो बड़ा वैसा है, मतलब अंदर से परफ्यूम लगाना हो किसी ने, अब जो है ना बेसिकली बिल्कुल वैसा लग रहा है। नहीं, स्पेशल रसगुल्ले होते हैं ना कहीं कहीं पे, उनमें ये केवड़े की खुशबू आती है। इसमें ये शरबत की खासियत क्या है, ये शरबत सिर्फ बादाम से मिला के बना हुआ है, जिसमें हम बादाम की जो गिरी होती है उसको लेते हैं और बादाम गिरी को पील ऑफ करते हैं, जो उसका जो रेडिश पार्ट होता है ना, ब्राउनिश पार्ट, ज़्यादा मैं रेड ब्राउन में कभी वो कर देता हूँ मिक्सअप, उसको डी स्किन करते हैं। उसके बाद उसको पानी में भिगोया जाता है। जब हम उसको भिगोते हैं उस वक्त भी केवड़ा की एक बूंद डाल जाती है, ठीक है। जैसे ही पानी में अगर कोई बदबू हो, लोकल वाटर, बिकॉज दिल्ली में यमुना का वाटर काफ़ी गंदा है, इवन इट इज़ प्योरीफाइड, तो हम उसको हल्का सा एक बूंद डाल देते हैं और काफ़ी देर तक, ये करीब 4-5 घंटे ये फूलती है। जब पूरी तरह से फूल जाती है ना, फिर इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, बहुत बारीक पीसते हैं, और इसकी सारा पिसाई जो है सिल पे होती है। बहुत बारीक पीसने के बाद फिर इसको हम छानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ना दाने अच्छे नहीं लगते, जबकि दाना इसका अलग सा फ्लेवर होता है। उसको छानने के बाद फिर इसमें आपको अगर लाइट सा कोई फ्रेग्रेंस डालना है वो डाल दीजिए आप, जैसे इसके अंदर हल्का सा पड़ा हुआ है लाइट है ना, उसमें हमने दोनों चीज़ें डाली हैं, इसके अंदर गुलाब जल भी डाला है और केवड़ा भी डाला है, छोटी बहुत ही लाइट, अगर ज़्यादा डाल लोगे तो मुँह बांध देती है, तो आप ज़्यादा बहुत ही लाइट। उसके बाद सिर्फ ये करते हो आप कि इसको सही से घोल लेते हो, यूनली मिक्स कर लेते हो और फिर रेफ्रिजरेट करके आप, वेरी सिंपल टू मेक, एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ। We'll be right back.
इसमें जो है एक तो इसमें वो इमली का इस्तेमाल है, टैंजीना जो है इमली की है, और बेसिक इसका इंग्रेडिएंट इमली है। इमली के साथ एक जीरा का इस्तेमाल किया गया है और ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है। जीरा जो है वो रोस्टेड है, भुना हुआ जीरा। पानी का इस्तेमाल किया गया? हाँ। पानी का नहीं, इससे बर्फ का बना हुआ है, हिमालय से लाई हुई बर्फ। पानी का नहीं है, मैदा स्वाद जो टॉफी आती है, स्वाद हाँ वही वाला टेस्ट है, स्वाद और फटाफट जो आता है। ऑरेंज के बताता हूँ, पहले फोन बेल का है, बेल का बिल्कुल सारे वो लैक्सेटिव वाले हैं, फालसे वाला भी बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा कोकम का नहीं है? Kokum, I was thinking to break the taste, but then I got this khatta meetha. I am very much fond of kokum. उसके वो rose petals जैसा। हाँ उसके भी। पता क्या है? उसमें kokum में एक ही problem है। आपको नशा आ जाता। हाँ kokum तो फिर। जब मुझे नींद नहीं आती तब kokum पीता हूँ। वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, so the choice is I can bet none of you have drunk this one. Which one? Which one? ये इसे कहते हैं Tukhm-e-Balanga. अब इसको मिलाता हूँ। अब उसके लिए तो नॉर्मल नाम भी तो होगा ताकि उसके जी नाम भी बहुत डेंजरस है। नाम एक्चुअली क्या है? आई विल टेल यू। दिस इज मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ बेसिल। बेसिल। अब अंग्रेजी बोलो तो आधा समझ में आ जाता है लोगों को। ऑर्गेनिक फील होने लग जाता है एकदम। आई काला वाला जो छोटा जो जो सोक करके ना मछली के बच्चे ऐसा बन जाता है, सबसे बोलते हैं उसे, तो उसका सर भैया मांगे सर बच्ची। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू इन देयर इज अ स्पेसिफिक नेम टू पीपल हु सर्व शरबत, दे आर कॉल्ड सरबत्ची। ये अगर कभी आपको मौका मिले या हमारे साथ हम टर्की का जब पान बनाएंगे तो वैसे ही टर्की में आज भी ना क्या होता है, लोग सरबत्ची घूमते हैं मार्केट में और उनके पीछे दो तीन तरह के शरबत होते हैं और उनके पेट में जैसे हम लोग जैसे वो दरोगा जी के पास गोलियां लगी होती है ना, उनमें ग्लास लगे होते हैं, वो फट से आप बोलोगे कौन सा फ्लेवर, वो शरबत निकालेंगे और आपको झुक के अदब के साथ में शरबत पिलाएंगे, उन्हें शरबत जी कहते हैं। तो आज के हमारे शरबत जी अमन साहब। अमन साहब मल्टीपल रोल में है, बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत डिफरेंट है ये। इसका टेस्ट क्या है आप बताओगे मुझे? बेसिल इज तुलसी, राइट? तुलसी ये तो पी के लगेगा अगरबत्ती जैसा। हवन सामग्री टाइप का भी। मैंने क्या बताया ये बहुत ही ये तरह तरह की सभ्यताओं और संस्कृतियों से बनाए हुए ये शरबत में है ना, ये आज का हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें वो चीज़ें भी हैं जो मैंने जैसे आपको बताया था कि शरबत की जो सबसे बड़ी इवोल्यूशन जो थर्ड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन थी वो इंडिया में आई जब हमने जड़ों का किया है ना, और ये जो है ये सीड्स हैं, ये सीड्स का शरबत है एक तरह से। इंटरेस्टिंग मुंह में जाके डिफरेंट लगता है, मछली ये वैसा लग रहा है मछली के बच्चे जैसे होते हैं ना, उस तरह से हजारों मछली के बच्चे। पिछले साल का कूलर साफ करो ना तो थोड़ी देर में पंख आ जाएंगे इनके। वाला है एक्चुअली तुख्म कहते हैं सीड्स को, तुख्म जो है ना तुख्म सीड्स को बोलते हैं पर्शियन में, तुख्म तो Tukhm-e-Balanga बोलते हैं ये। लेकिन यू हैव टू च्यू देम तब टेस्ट आ रहा है, नहीं तो वो साबूदाना जैसा हो गया। इसको आप थोड़ा धीमी गति से पिए और इसको ना पूरे आदित्य धीमी गति से पीना, ये इसको ना सरकने दें, मुंह में सरकने दें इसको। अच्छा ये फ्लेवर भी है, क्या हुआ तुमने नहीं लिया? एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टू फोटोग्राफ है साइंस यहां पे एक ग्लास कम होगा। ये लो भाई आप दोनों लो। इस लाइट में फोटोग्राफ हो नहीं पा रहा है। ये देखो नहीं नहीं इसमें हमने थोड़ा सा केवड़ा डाला है। देखो देखिए एक मैं आपको बताऊँ केवड़ा जो डालाता है वो खुशबू में मिठास को बढ़ाने के लिए, तो केवड़े की जो सेंट है वो मिठास को रिप्रेजेंट करती है। तो विदाउट मेकिंग इट स्वीट वी हैव मेड इट फील यू सी नो सेंसरली आपको लगेगा कि ऐसे स्वीट है। खाने का तरीका क्या है, पीने का इसकी एक एक
बीज को आप तोड़ने की कोशिश करो दांत से, देन यू विल हैव फन ऑफ इट। तो ये लाए कहाँ से आप बीज? दिल्ली में एक जगह है जिसे खाड़ी बावली बोलते हैं। खाड़ी बावली की खूबसूरती क्या है कि आप कितना भी पर्शियन, कितना भी टिपिकल नेम लेके आ जाओ, वो रूट, वो सीड, वो फ्लेवर, वो जड़ी बूटी सब अवेलेबल है। आपने वो देखा द स्टोरी ऑफ इंडिया BBC, उसमें वो सोमरस वाला वो हर्ब ढूंढता है, वो सीक्वेंस बड़ा अच्छा है पूरा। मैं तुम्हारे चक्कर में पहली बार कोई किताब पढ़ी है रिकमेंडेड नो विच वन वो मतलब बुक है डीवीडी सॉरी डीवीडी आई जस्ट ऑर्डर सेम डे तो इट्स लाइक 5 टू 6 एपिसोड आपने देखा वो सारे पूरा? नहीं मैंने दो तीन देखे हैं अभी। एडिक्टिव है काफी वो और हिमालय दोनों। एक थोड़ा सा इसमें फ्लू वगैरह का रेजिस्टेंट है, इट रेजिस्ट फ्लू। एक तो मलंगा का शरबत और एक होता है सौंफ का शरबत। ये दोनों शरबत अगर आपने पी लिए ठीक से तो आपको लू शू कुछ लगने वाले नहीं है, सनबर्न तो हो जाएगा कोई इशू नहीं है लेकिन लू नहीं लगेगी। ये दो शरबत बड़े ना मुफीद हैं इस काम के लिए। तुखमलंगा तुखम जो कहते हैं ना वो सीड को कहते हैं। तो ऑब्वियसली जो मलंगा है वो बेसिल हुआ किसी में चीज की जो बीज होती है उसको तुखम बोलते हैं। जैसे आप देखा होगा अगर आप लखनऊ हमारी तरफ आएँ तो आप देखेंगे हमारे गाँव में हमारे जो बागे हैं उसमें दो तरह के आम होते हैं, एक कलमी आम होते हैं एक तुखमी आम होते हैं। तो कलम कहते हैं जो हम ग्राफ्टिंग करके नया टाइप के ना बनाते हैं आम की वैरायटी को, और तुखमी आम बोलते हैं कि जब हमें आम की बहुत बड़ी बाग लगानी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ना कलम करके लगाएं और उसको डेलीकेसी करें तो हम जो अच्छी क्वालिटी के आम होते हैं उन्हीं की सीड बो देते हैं, उसको बोलते हैं तुखमी आम। तो सीड से निकला हुआ पौधा तुखम कहलाता है, तुखम से निकला है इसलिए तुखमी हो गया। और जो कलम ग्राफ्टिंग करके बनता है उसे कलमी आम बोलते हैं देसी भाषा में बीजू। तो उससे पहले इस जगह पे जो आखिरी शरबत हम लोग पीते हैं वो पान का शरबत है, इसको आप सूंघे आपने सूंघने में पीने से भी ज्यादा मजा आएगा और पीने में सूंघने से ज्यादा मजा आएगा। आप आखिरी से शुरू कर रहे हैं गुड। इसमें क्या करते हैं आप इसको, इसका तरीका ये है कि आप पान को बनाइए और पान को सुखा लीजिए ठीक है, और सुखाने के बाद जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि कुटनी आती है, जब बड़े जब बूढ़े लोग हो जाते हैं ना तो पान खाना छोड़ते नहीं है, उसको कुटनी में हमें दस्ता बोलते हैं, उसको कूटते हैं। कूटने के बाद उसको आप कूटने के बाद जब वो आता है उसको पानी में भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद उसको आप छान लीजिए मेरा इसको। लेकिन जब शरबत बनता है इसके अंदर एक और चीज़ की जाती है, हम लोग क्या करते हैं फ्रेश पान लेते हैं और फ्रेश पान को थोड़ा थोड़ा काट देते हैं उसमें इसमें डाल देते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बाइट भी आ जाती है। कौन सा पत्ता का? पान का कोई पत्ता ले लो, देसी देशावरी ले लो, बंगला ले लो, कोई भी ले लो ना जो भी आपको पसंद हो। नॉर्मली मैं थोड़ा सा करस वाला पान डालता हूँ तो उसमें क्या होता है ना मीठा तो है ही है, करस पान को काट देता है। ये रंग कैसे है? वही गुलकंद वगैरह का रंग है ये? रूहअफ़ज़ा इसमें नहीं है, हल्का सा केवड़ा डालो जाता है। गुलकंद के अंदर तो ऑलरेडी ये सब चीज पड़ती है ना, इवन इसके अंदर हाँ इसके अंदर बहुत एक मतलब बूंद से भी खाए। इसमें क्या होता है इसके अंदर यहाँ तक कि इसके अंदर इस पान में वही पड़ा हुआ है आपका जो वरक होता है ना चांदी का वरक, तो आप दिन का वक्त होता तो आपको ये स्पार्कल दिखाई पड़ती है इसमें चांदी की। कल कहीं टॉयलेट में ढूंढने लगे ये रिकॉर्डिंग है ना ऐसे वो करते हैं जब पहले फोटोग्राफिक फिल्म धुलती थी तो लोग वो लिक्विड इकट्ठा कर लेते थे। रिफिल्स नहीं हम मैं धीरे धीरे करके जबाने पूरा फैल गए यूज टू। हमारे सारे पार्ट तो बड़े एक्टिवेट हो गए हैं और दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मी फलसा मुझे भी थोड़ा सा शरबत जो हिमालयन रीजन में पाई जाती है और इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो दिमाग को तेज करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली इससे मेमोरी आपकी बढ़ती है और दिमाग आपका काफी स्ट्रेंथ होता है। सर्दियों में
जब आपके ऊपर लू चलती है और आपका दिमाग की कहता ना पूरा इवापोरेट हो चुका होता है, ठंडा ब्रह्मी और बादाम का जो मिक्सअप है, इट सिंपली नॉट ऑनली रिजुविनेट्स यू इट आल्सो रिजुविनेट्स योर माइंड। एकदम आप जो है ना और उसके बाद पीसने के बाद इनको इनका मोटा स्टैक बनाओगे, उसको छानोगे, दो तीन प्रोसेस दो तीन बार डिफरेंट टाइप के कपड़ों से छाना जाता है, और छानने के बाद एकदम ये लगाओ एकदम इसके अंदर खाली थोड़े से जो दाने दिख रहे हैं वो बादाम के हैं, ब्रह्मी के नहीं है। उसके बाद फिर इसको आप अपने जितना भी आपको मीठा पीना उसी हिसाब से इसके अंदर शक्कर डाल सकते हो या कोई भी क्रिस्टलाइन मिलो जो भी फॉर्म ऑफ शुगर डालना है या शहद डालना है, कोई लोग इसको शहद के साथ पीते हैं लेकिन उनका पेट काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि शहद अपने आप में बहुत ज़्यादा मिलो यार मुझे एकदम अभी क्यों भाई ठंडा ही ठीक है जितने भी फ्रूट होते हैं एक्चुअली क्या होगा आप देखोगे हर फ्रूट की एक शेप होती है, जिस फ्रूट की शेप आम जैसी होती है उसको पीने से आपको फायदा होता है, जिस फ्रूट की शेप जैसी होती है बगैर जैसी उसको फायदा होता है, जिससे आपको फायदा होता है। तो ये जितने भी सारे ड्राई फ्रूट जो है ना बॉडी का किसी न किसी ऑर्गन के करस्पॉन्डिंग इनकी शेप होती है और उस ऑर्गन को ये स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। तो संडे ही जो वो चीज़ है जो पूरी तरह से आपको रिफ्रेश करती है, और इसी ठंडई में अगर आप लेविटेशन करना चाहें तो आप जो है थोड़ी सी भांग मिला लें और फिर ये ठंडई इसी ठंडई काफ़ी बदनाम हो गई है।